गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, मैं वेद सोनी। आज की क्लास में बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सी इंटर का चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस नाम है, एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है। एग्जाम के अंदर आने के चांसेस 99% है। दूसरी बेहद अच्छी बात बेटा, चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, रटने वाला कुछ भी नहीं है। अगर आप 10 मिनट भी चैप्टर को स्टार्ट होने से पहले ध्यान से सुनेंगे तो पूरा चैप्टर की एक एक बातें आपके दिमाग में क्लिक करेंगी, न केवल क्लिक करेंगी बल्कि आपको लर्न भी हो जाएंगी। पर अगर आप रट्टा मार के इस चैप्टर को करना चाहते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा। और इसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी से, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे वो बड़े ध्यान से सुनेंगे बेटा। मैं मात्र 15 मिनट आपसे मांगता हूँ, 15 मिनट मुझे ध्यान से दे दीजिएगा, जिंदगी भर इस चैप्टर के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। इसका नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चलिए बेटा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को सीधा स्टार्ट करते हैं। आप अपने से अंदाजा लगाइए, अगर आप बैंक में पैसा लेने जाते हैं, आप बैंक को कहेंगे सर हमें 5 लाख रुपए का लोन दे दो, बैंक आपसे क्या मांगेगा? क्या मांगेगा आपसे? सोचो, बैंक बिना सिक्योरिटी के लोन नहीं देता। बैंक आपसे क्या बोलेगा? सिक्योरिटी दे। कल को अगर तुमने 5 लाख रुपए वापस ना दिए तो हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे सर आप हमारा घर के कागजात गिरवी रख लो, और अगर हम कल को आपके पैसे ना दें आप घर बेच देना हमारा। इट मीन्स घर हमारी क्या थी? एसेट। हम एसेट को उसके पास गिरवी रख के और बदले में जो लोन अपने घर लेके आए हैं ये बेटा सिक्योर्ड लोन कहलाता है। ये क्या है? सिक्योर्ड लोन। जहाँ किसी एसेट को गिरवी रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जहाँ सिर्फ विश्वास पे पैसे मिल जाते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन कहलाता है। और जब जब कंपनी को या किसी भी पर्सन को एसेट के बदले गारंटी में एसेट देने के बाद बदले में लोन मिलता है उसको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं। तो हम यहाँ बैंक की बात ना करके बेटा कंपनी की बात करेंगे। कंपनी को ढेर सारे पैसे की जरूरत पड़ती है, कंपनी को लोन लेना है, किसी से बैंक से लेना हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना हो, पब्लिक से लेना हो, जिससे भी लोन होगा कंपनी उनसे पैसे मांगेगी, साहब हमें पैसे दे दो। पर सामने वाला क्या बोलेगा कि बदले में गारंटी दो, एसेट दो, सिक्योरिटी दो, सिक्योरिटी होगी तो लोन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। इट मीन्स कंपनी अपनी एसेट पे, बड़ी ध्यान से सुनना बेटा, कंपनी अपनी प्लांट एंड मशीनरी, अपनी बिल्डिंग, अपनी जमीन जायदाद के कागजात, टाइटल डीड्स लेके सामने वाले के पास जाती है और उसको सिक्योरिटी के रूप में वहाँ प्रैक्टिकल फिजिकल रख के आने की जरूरत नहीं होती बेटा, बस उसके फेवर में ये चीज़ क्रिएट कर दी जाती है कि कल को अगर हम आपको ये पैसा नहीं चुकता करेंगे तो आप ये प्रॉपर्टी जो आज हमारी है इसके ऊपर आपका होल्ड आ जाएगा। अगर आप टाइम से पैसा चुका देते हैं, विद इंटरेस्ट पैसा चुका देते हैं, तो वो बाद में जो आपने मोर्गेज बनाया है वो कैंसिल हो जाता है। पर अगर आप टाइम से पैसा चुकता नहीं करते हैं तो सामने वाले का उसके ऊपर होल्ड आ जाता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं कंपनी हूँ, आप मान लीजिए बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी आपके पास पैसे लेने आती है, 10 लाख रुपए कंपनी ने आपसे मांगे। अब आप बैंक हो, आप बोलते हो बदले में दो हमें सिक्योरिटी। लायबिलिटी के ऊपर लोन नहीं मिलता साहब, एसेट के ऊपर लोन मिलता है। कोई बोले मेरी लायबिलिटी ले लो मेरे को लोन दे दो तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात होगी, इस बात में कोई दम नहीं है। तो एसेट को गिरवी रखा जाता है, लायबिलिटी को गिरवी नहीं रखा जाता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कंपनी अपने एसेट के कागजात बैंक के पास रखेगी, बैंक बदले में पैसे दे देगा। कितने टाइम के लिए पैसा दिया है, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से पैसा दिया है, ये सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशंस में लिख दी जाती हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट आपका तैयार हो जाता है। अब आपको पता है कंपनी के अंदर कोई भी काम होता है तो रजिस्ट्रार के पास इसको रजिस्टर जरूर करना पड़ता है। सर पार्टी कौन कौन है बेटा? यहाँ पे 3 पार्टी हैं। कंपनी जो पैसा लेके आई है इसका नाम है कंपनी। कंपनी अपनी एसेट गिरवी जिसके पास रखी आई है, अब हमारे एसेट के ऊपर सामने वाले का चार्ज आ गया। क्या गया बेटा? चार्ज आ गया। जिस बंदे का हमारे पास चार्ज आ जाता है, हमारी एसेट्स के ऊपर होल्ड आ जाता है, उस बंदे को बोला जाता है चार्ज होल्डर। क्या बोलते बेटा? चार्ज होल्डर। तो सामने वाला बंदा जिसने पैसा दिया है वो चार्ज होल्डर, मैं हूँ कंपनी। अब जो हमारे बीच में दोनों के साइन सिग्नेचर होके जो एक डीड क्रिएट होती है, जो इंस्ट्रूमेंट क्रिएट होता है, इसको हम रजिस्ट्रार के पास लेके जाते हैं। सर ये बताओ रजिस्ट्रार के पास लेके कौन जाएगा? कंपनी जाएगी या चार्ज होल्डर लेके जाएगा? सर क्या करवाने के लिए लेके जा रहे हो? बेटा हम इस चार्ज को रजिस्टर्ड करवाने के लिए जा रहे हैं। एविडेंस माना जाता है, प्रूफ माना जाता है अगर ये रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड हो जाता है। तो पहली ड्यूटी सुनिए साहब, पहली ड्यूटी बनती है कंपनी की, कंपनी जाएगी रजिस्ट्रार के पास और कहेगी साहब इसको रजिस्टर्ड कर दो। सर अगर कंपनी ना चाहे तो? अगर कंपनी नहीं जाती है तो जिसने पैसे दिए हैं उसको तो भड़क है ना बेटा इस बात की कि मैंने पैसे दिए और यार अब तक कोई स्लिप वगैरह, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ हाथ में आया नहीं है। तो दूसरे नंबर पे कौन जा सकता है? चार्ज होल्डर जा सकता है। सर एक बात बताइएगा, जो काम करना था कंपनी को और बेचारा करना पड़ रहा है चार्ज होल्डर को, तो पैसे किसके लगने चाहिए थे? कंपनी के। किसके लग चुके? चार्ज होल्डर के। कोई दिक्कत नहीं, जो पैसे कंपनी के लगने थे चार्जिंग के टाइम और वो चार्ज होल्डर के लग जाते हैं तो रिम्बर्समेंट हो जाता है। जितने पैसे भी चार्ज होल्डर के लगे हैं वो सारे पैसे बाकायदा चार्ज होल्डर को वापस हो जाते हैं। अब तक की जितनी भी कथा मैंने सुनाई बेटा, इसको क्विक रिवाइज करते हैं। कंपनी जब अपने
कंपनी को जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और वो लोन लेने के लिए जाती है तो सामने वाला बंदा उससे क्या मांगता है, एसेट एज ए सिक्योरिटी मांगता है। कंपनी अपने एसेट्स को, एसेट्स कैसी भी हो सकती है बेटा ध्यान दीजिएगा, टेंजिबल भी हो सकती हैं, इनटेंजिबल भी हो सकती हैं, इंडिया में भी हो सकती हैं, बाहर भी हो सकती हैं, कैसी भी एसेट हो सकती हैं, वैल्यूएबल अगर हैं तो उनके ऊपर हम क्या करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं। जो बंदा एसेट्स का चार्ज लेके पैसे देता है वो चार्ज होल्डर कहलाता है, मैं कंपनी कहलाती हूँ। फिर इस चीज़ को हमें रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार इसको बाकायदा चेक करता है, कोई गलती हो तो फिर आपका चार्ज को रजिस्ट्रेशन करने से मना कर देता है, डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाता है और आपको फिर एक सर्टिफिकेट जारी कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। एक बात मैंने आपको और भी बताई थी कि चार्ज करवाने की पहली ड्यूटी कंपनी की होती है, और अगर कंपनी ना करवाए तो किसको करवाना पड़ेगा बेटा, किसको करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रार सॉरी चार्ज होल्डर को करवाना पड़ता है, और पैसे बाद में रिइंबर्समेंट हो जाते हैं। जी सर। दूसरी बात बड़ी ध्यान सुनना बेटा, हम बुक में से फिलहाल कुछ भी नहीं पढ़ रहे। चार्ज बेटा दो तरीके का होता है। चार्ज कितने तरीके बेटा, दो तरीके का होता है, एक होता है फिक्स चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज फिक्स टाइप की एसेट्स के ऊपर क्रिएट होता है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, इस तरीके की एसेट्स के ऊपर बेटा जो चार्ज क्रिएट होता है वो फिक्स चार्ज कहलाता है। सर फिक्स चार्ज के बारे में कुछ और भी बता सकते हैं? बिल्कुल, फिक्स चार्ज फिक्स टाइप की एसेट्स के ऊपर होता है। मजे की खास बात इसके अंदर क्या है बेटा, इस एसेट्स को जैसे कंपनी है, मैंने अपनी प्लांट मशीनरी बिल्डिंग की कागजात आपके पास रख दी, आपने बदले में मेरे को लोन दे दिया, अब ये एसेट प्लांट मशीनरी में सेल नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि इसके ऊपर आपका होल्ड आ चुका है। आपकी बिना परमिशन लिए मैं इनमें से एक रुपए की भी चीज सेल नहीं कर सकता, क्योंकि ये चार्ज फिक्स चार्ज है। सर दूसरा चार्ज कौन सा होता है बेटा, फ्लोटिंग चार्ज होता है। फ्लोटिंग चार्ज बिल्कुल इसके अपोजिट होता है। फिक्स चार्ज फिक्स एसेट के ऊपर होता है, फ्लोटिंग चार्ज फ्लोटिंग टाइप के एसेट के ऊपर होता है। फ्लोटिंग टाइप जो कीप चेंजिंग, जो चेंजिंग में चलती रहती हैं। मान लो बेटा मैंने रॉ मटेरियल के ऊपर, अपने स्टॉक के ऊपर, स्टॉक को गिरवी रख के, स्टॉक के स्टॉक स्टेटमेंट गिरवी रख के आपसे लोन लिया, तो अब ऐसा नहीं है मैं आपकी परमिशन के बिना स्टॉक सेल नहीं कर सकता बेटा, मैं स्टॉक को सेल भी करूँगा, स्टॉक से फाइनेंस फिनिश्ड गुड्स भी बनाऊंगा, फाइनल प्रोडक्ट भी बनाऊंगा, स्टॉक को सेल भी करूंगा। जब तक अगर मैं स्टॉक को सेल ही नहीं करूंगा तो आपके पैसे कैसे दे पाऊंगा? इट मींस डेटर के ऊपर, स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर, रॉ मटेरियल के ऊपर, इनको अगर गिरवी रख के इनके ऊपर अगर आपने चार्ज क्रिएट किया है तो बिना चार्ज होल्डर की पर चार्ज होल्डर से बिना पूछे भी आप इनको सेल कर सकते हो। प्लीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो पॉइंट निकल गए बेटा मेन। फिक्स चार्ज के अंदर बिना चार्ज होल्डर की अनुमति लिए बिना आप उसमें से इत्तु सामी सेल नहीं कर सकते। फ्लोटिंग चार्ज के अंदर फ्लोटिंग कीप चेंजिंग एसेट का नेचर ही कीप चेंजिंग होता है, उसमें आपको सामने वाले से पूछने की जरूरत नहीं होती और आप उन एसेट्स को सेल कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर एक बात बताओ, मैंने अपना स्टॉक गिरवी रख के पैसा लिया, जी सर, और फिर मैंने सारा स्टॉक सेल कर दिया, उससे पूछने की जरूरत थी नहीं, फिर बाद में मेरा क्या उखाड़ लेगा? बेटा ध्यान दीजिएगा, जो आपका फ्लोटिंग चार्ज में आपके पास एक राइट है, फ्लोटिंग चार्ज में आपके पास राइट है, क्या राइट है, आप चार्ज होल्डर से बिना पूछे इस चीज को सेल कर सकते हो, ये राइट आपसे छीना जा सकता है अगर आपके दिमाग में कोई भी फ्रॉड करने की संभावना है। जैसे ही चार्ज होल्डर को पता लगेगा आप टाइम से उसका इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक होती जा रही है, तो इस राइट को आपसे छीन भी सकता है, और जैसे उसने इस फाइनेंशियल राइट को छीन लिया अब आप उस चीज को सेल नहीं कर सकते। फ्लोटिंग चार्ज के अंदर ये राइट का खत्म हो जाना लॉ के अंदर टेक्निकली क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज माना जाता है। मैंने क्या बोला बेटा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। जब भी आप कोई बोले क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है तो समझ जाना, फ्लोटिंग चार्ज के अंदर हमारे पास एक राइट था, हम चार्ज होल्डर की अनुमति लिए बिना उस चीज को सेल कर सकते थे, जब ये राइट खत्म हो जाता है इसको क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। सर एक बात बताओ, जब फ्लोटिंग चार्ज एंड हो जाता है तो क्या बन जाता है? जैसे ही फ्लोटिंग चार्ज एंड हो जाता है बेटा ये फिक्स चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फटाफट बताइए मेरे को, रिवाइज करें बेटा, चार्ज कितने टाइप का? सर दो, एक कौन सा, फिक्स चार्ज, एक कौन सा, फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में फिक्स एसेट के ऊपर, फ्लोटिंग चार्ज फ्लोटिंग एसेट के ऊपर। फिक्स चार्ज को हम सेलर के अनुसारी चार्ज होल्डर किससे बिना पूछे इतू सारी सेल नहीं कर सकते, उसको किसी और के पास गिरवी नहीं रख सकते, उसको डिपार्ट नहीं कर सकते, उसको डिस्पोज नहीं कर सकते, सब कुछ सामने वाले से पूछ के होगा। बट फ्लोटिंग एसेट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल, डेटर, सर्कुलेशन, ये चीज़ें हैं चलती रहेंगी, उसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है। पर सामने वाले को अगर शक है, आपकी नीयत के ऊपर शक है, तो अपने वो आपकी इस राइट को छीन सकता है। इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। अब आप इस चीज को सेल नहीं कर सकते, ये फिक्स चार्ज के अंदर कन्वर्ट हो चुका है।
कुछ जनरल बातें और देख लीजिएगा। एक पार्टी कौन है? कंपनी। एक पार्टी कौन है? चार्ज होल्डर। किसको करवाना है रजिस्ट्रेशन? कंपनी को करवाना होता है। कंपनी ना करवाए तो कौन करवाएगा? चार्ज होल्डर। पर जब जब चार्ज होल्डर कंपनी के पास रजिस्ट्रार के पास जाता है कि सर इसको रजिस्टर्ड कर लो, तो रजिस्ट्रार जो मामा जी वो एक बात पूछता है रजिस्ट्रार को, हम क्या बोलते हैं बेटा मामा जी कि यार करवाना तो चाहिए था कंपनी को, और आप आए हैं आप करवाने, एक बार मैं कंपनी से फोन लगा के पूछ लेता हूँ। तो जब जब चार्ज होल्डर रजिस्ट्रेशन करवाने पहुंचता है जो कि करवाना चाहिए था कंपनी को, तब तब रजिस्ट्रार कंपनी के पास फोन करता है कि हे कंपनी ये ड्यूटी आपकी थी और ये चार्ज होल्डर मेरे पास रजिस्ट्रेशन करवाने आया है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? 14 दिन का टाइम होता है बेटा कंपनी के पास, या तो कंपनी ऑब्जेक्शन फाइल करती है या कंपनी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करती है। अगर कंपनी ऑब्जेक्शन फाइल नहीं करती तो चार्ज रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, उसका सारा खर्चा कंपनी से रिमबर्स करवा लिया जाता है। इतनी बात भी समझ में आ गई। जी सर, कंपनी के अंदर बेटा दो बार ऑर्डिनेंस रूल्स पास हुए हैं। 2018 में लेटेस्ट रूल आए थे, उसके बाद से चार्ज के कुछ चार्ज को रजिस्ट्रेशन करवाने के कुछ रूल्स के अंदर चेंज आ गए। जो समय सीमा थी, जो टाइम था, वो बदल चुका है। इट मीन्स पेपर में आपको बड़े एहतियात के तौर पर देखना पड़ेगा कि चार्ज किस डेट पे हुआ है। मतलब सर अगर 2/11/18 सारे बच्चे नोट कर लें बेटा, अगर मतलब नोट करने का मतलब दिमाग में नोट कर लें, सारी चीज़ें बुक के अंदर लिखी गई बेटा। अगर चार्ज एसेट को जो गिरवी रखा गया है वो 2/11/18 से पहले का है तो टाइम अलग रहेगा, और 2/11/18 से बाद का है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाने का टाइम अलग रहेगा। वो दोनों टाइम क्या रहेंगे वो हम इसके अंदर बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इस 10 मिनट के अंदर हमने चार्ज होता क्या है, एसेट्स के ऊपर होता है, लाइबिलिटी के ऊपर नहीं होता, कंपनी कौन होती है, चार्ज होल्डर कौन होता है, ड्यूटी किसकी बनती है, किसको जमा करवाना होता है, फिक्स चार्ज क्या होता है, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है, और क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ये तमाम कॉन्सेप्ट हमने सीखे। स्टिल इनमें कोई भी डाउट है तो आप 9992141555 पे मुझे कॉल करके व्हाट्सएप करके ही अपना डाउट्स ले सकते हैं। अब फटाफट बेटा इस वीडियो के अंदर हम दो पार्ट में कवर करेंगे, Part 1 Part 2 दोनों पार्ट में आज ही अपलोड करके इस वीडियो के अंदर इस यूट्यूब पे डाल दूंगा। आप सभी को बेटा रिक्वेस्ट मेरी, चैप्टर दोनों वीडियो बड़े ध्यान से सुनने हैं, उसके बाद इसके नोट्स मेंटेन कर, नोट्स मेंटेन का मतलब इनको लिख लिख के पॉइंट्स को देखना है, सारे लिमिट्स प्रॉपरली याद कर लेनी है। चैप्टर एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। चलिए बेटा बड़े जोश के साथ हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। चार्ज के सेक्शंस के बाद यहां इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में एक चीज लिख रखी है बेटा, बड़े ध्यान से सुनना, एक लियन क्रिएट किया जाता है। क्रिएट किसके ऊपर? कंपनी की प्रॉपर्टी या एसेट के ऊपर। एसेट किसकी होती है? तीसरे गोले में लिख रखा ऑफ ए कंपनी, और चार्ज को मोर्टगेज भी बोला जाता है। सर ये सारी चीज कहां से आई है बेटा? नीचे डेफिनेशन देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 216, अंडरलाइन कीजिएगा प्लीज, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 216 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, चार्ज हैज बीन डिफाइंड एज एन, एक ऐसा इंटरेस्ट और लियन, एक कब्जा, एक मोर्टगेज क्रिएट हो जाता है कंपनी की प्रॉपर्टी के ऊपर, कंपनी की एसेट्स के ऊपर, या इसकी अंडरटेकिंग के ऊपर। इस जब ऐसा होता है, जब ये चार्ज आ जाता है, तो इसको मोर्टगेज भी इसके अंदर इंक्लूड कर लिया जाता है। इट मीन्स चार्ज को फिर से डिफाइन किया गया है, चार्ज कोई इंटरेस्ट है या कोई लेन है जो हमेशा क्रिएट होगा किसकी? प्रॉपर्टी या एसेट्स ऑफ द कंपनी के ऊपर, एंड इट इंक्लूड्स मोर्टगेज, मोर्टगेज भी इसी के अंदर आता है। सर थोड़ा सा सिंपल में बता सकते हैं, बोल सकता हूँ, जब जब कंपनी लोन लेना चाहती है, जब जब कंपनी सिक्योर्ड लोन लेना चाहती है, तब तब उसको अपने एसेट्स को गिरवी रखना पड़ेगा, और एसेट्स को गिरवी रखना ही चार्ज कहलाता है। इस चार्ज को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। नीचे ये लिख रखा बेटा, व्हेन ए कंपनी ऑब्टेन टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो इट रिक्वायर टू क्रिएट ए चार्ज ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ एसेट्स। सर ये चार्ज एसेट्स के ऊपर क्यों क्रिएट होता है बेटा? कोई एसेट को, एसेट ही सिक्योरिटी में रखी जा सकती है, लायबिलिटी सिक्योरिटी में नहीं रखी जा सकती। सर यहां पे क्या क्या पढ़ना है बेटा? एक तो डेफिनेशन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये पॉइंट ये डेफिनेशंस पढ़नी है। इस डेफिनेशन को नीचे तोड़ के बता रखा है, नीचे वाले पैराग्राफ की दो लाइन, उसके बाद सीधा आना आपको नीचे टाइप ऑफ चार्ज पे। टाइप ऑफ चार्ज प्लीज पढ़िए। अरे बेटा हम सब कुछ समझ चुके हैं, इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज इज क्रिएटेड विद फिक्स एसेट, जैसे दीज एसेट परमानेंट नेचर, अंडरलाइन कीजिए बेटा परमानेंट नेचर, लाइक लैंड पे, बिल्डिंग पे, ऑफिस पे, प्लांट पे, मशीनरी पे, एटसेट्रा। इट मीन्स जिनको चार्ज के टाइम पे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, जो फिक्स टाइप की होती हैं, ऐसी चार्ज को फिक्स चार्ज बोला जाता है। इस लाइन को प्लीज देखिएगा बेटा, इस लाइन को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एसेट अंडर, एक सेकेंड बेटा, एसेट अंडर फिक्स चार्ज कैन ओनली बी सोल्ड विद द परमिशन ऑफ चार्ज होल्डर, सबसे मेन लाइन है बेटा। फिक्स चार्ज की एक खास बात, इन एसेट्स को तब तक कंपनी सेल नहीं कर सकती जब तक चार्ज होल्डर की परमिशन ना ले ले, इसको बोला जाता है बेटा फिक्स चार्ज। अब फटाफट नहीं जाओ, फ्लोटिंग चार्ज क्या होता है?
A floating charge is created on the fluctuating nature of assets जैसे raw material, stock in trade, debtor इस तरीके की चीजों पे create किया जाता है। ये assets जो होती हैं under floating charge keep on changing because the borrowing company is permitted to आप इनको use भी कर सकते हैं, इनसे final product भी बना सकते हैं, इनको sell भी कर सकते हैं और मजे की बात आपको charge holder से पूछने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक की बात आपको याद करनी थी, example आपको नहीं पढ़ना, bracket लगा लेना बेटा, सीधा फिर नीचे आएंगे। नीचे वाला पैराग्राफ आपका इंपॉर्टेंट है, यहां से फिर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ए फ्लोटिंग चार्ज रिमेन डोरमेंट, एक फ्लोटिंग चार्ज जो है वो फ्लोटिंग बना रहेगा अंटिल इट बिकम, जब तक ये फिक्स ना हो जाए, क्रिस्टलाइज ना हो जाए। सर क्रिस्टलाइजेशन बेटा मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था, जब जब आप टर्म्स कंडीशंस के अंदर वॉयलेट करते हैं, टाइम से पैसा नहीं चुकता करते हैं, इंटरेस्ट देने में गड़बड़ करते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, तो सामने वाला आपसे यूज करने का और बेचने का राइट छीन लेता है और राइट को छीन लेना ही क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। डिट्टो वैसी लाइन एग्जैक्टली यहाँ पे लिख रखी है, ऑन क्रिस्टलाइजेशन द रॉ मेटेरियल स्टॉक इन ट्रेड एटसेट्रा बिकम फिक्स एंड इज अवेलेबल फॉर रियलाइजेशन सो दैट मनी इज बोरिंग मनी। जब आप इसको बोरिंग जो पैसा आपने ले रखा है उसको चुकता कर देंगे तो ही आप इनको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज इनको यूज नहीं कर सकते। जी सर फटाफट आते हैं बेटा नीचे, ड्यूटी टू रजिस्टर चार्ज एटसेट्रा सेक्शन 77। सेक्शन 77 बेटा आपको बताता है रजिस्ट्रेशन करवाने का तरीका, बिना देखे बता बेटा रजिस्ट्रेशन किसको करवाना होता है, कंपनी को। पहली ड्यूटी कंपनी ना करवाई तो चार्ज होल्डर को। सर कितने दिन के अंदर बिल, एक बार प्लीज चार्ट भी देखिएगा। सर ये दो चार्ट बना रखे हैं बिल्कुल, सिचुएशन नंबर वन और सिचुएशन नंबर टू। सर ये क्या है बेटा, मैंने आपको बताया था सेकंड ऑर्डिनेंस रूल्स अमेंडमेंट रूल्स आए थे, उसने चार्ज की समय सीमा को अब बदल दिया है। तो आपको पेपर में ध्यान से देखना है मेरे बच्चे कि चार्ज क्रिएट कब हुआ है। अगर चार्ज क्रिएट हुआ है 2/11/2018 से पहले बेटा, ये पुराने रूल है। पुराने रूल में क्या होता था, जिस दिन कंपनी अपनी एसेट्स को गिरवी रखती थी उसके 30 दिन के अंदर मामा जी के पास जाके उसको रजिस्टर्ड कराना पड़ता था। फटाफट सुनना बेटा, अगर 30 दिन के अंदर ना करवाएं तो सर बीमार हो गया, कोमा में चला गया, एक्सीडेंट हो गया, वट एवर, भाई 300 दिन ले लो आप। जिस दिन 30 दिन खत्म हो गए उससे एक्स्ट्रा 300 दिन मिलते थे, 300 दिन के अंदर अंदर उसको एक्स्ट्रा फीस, एडिशनल फीस, लेट फीस के साथ रजिस्टर्ड करवाया जा सकता था। सर अगर वो 300 दिन के अंदर भी जमा ना करवाए तो नया रूल बोलता है 2/11/18 को चेंज आया था, 2/11/18 से 6 महीने के अंदर अंदर आप इस चार्ज को, अब भी टाइम है, एक्स्ट्रा फीस देकर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके बाद चार्ज रजिस्टर्ड नहीं होगा। फिलहाल देखिए बेटा पुराने रूल क्या बोलते हैं, जिस दिन चार्ज क्रिएट हुआ उसके 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर ना हुए तो पुराने रूलों में बेटा 300 दिन का कॉन्सेप्ट था। इसको चेंज करने का लॉजिक में बता देता हूँ, कारण में बताता हूँ। 300 दिन में लगभग 1 साल गुजर जाता था और चार्ज का प्रोसीजर बड़ा लंबा हो जाता था, इसलिए बेटा इस रूल को ध्यान में देखते हुए इस 300 को घटा के, जो पहले पुराने रूल में 300 दिन होता था, अब नए रूल्स में आपको नीचे जो पढ़ाऊंगा उसमें इसको 30 दिन कर दिया, सीधा 300 से 30 उड़ा दी गई है। कोई बात नहीं, पहले पुराने रूल पढ़ते हैं। अगर चार्ज 2/11/18 से पहले का है तो इसको 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड कराइएगा, 30 दिन के अंदर नहीं कराएं तो पुराने रूल में 300 दिन के अंदर रजिस्टर्ड करा सकते हैं। 300 दिन के अंदर भी रजिस्टर्ड ना कराएं तो 2/11/18 से, या तो उससे पहले हो चुका होगा, अगर नहीं हुआ है तो 2/11/18 के 6 महीने के अंदर अंदर भी आप इस चार्ज को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। फटाफट आइए नए रूल्स के अंदर। नए रूल में बोलता है 30 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, मैंने कहा अगर ना हुआ तो, फिर बोलता है अगले 30 दिन, मतलब 30 पहले थे बेटा, 30 दिन में या तो हो गया या नहीं हुआ, अगले 30 डेज आपको और दे दिए, टोटल कितने हो गए बेटा 60 दिन। सर उस 30 दिन में जो नेक्स्ट हमने 30 डेज दिए हैं, या तो काम हो चुका होगा या काम नहीं हुआ होगा। अगर सर उस नेक्स्ट 30 डेज में काम भी ना हुआ हो तो, अब बेटा आपको एक्सटेंशन के लिए आपको हाथ पैर जोड़ के रजिस्ट्रार से, नए रूल बड़े स्ट्रिक्ट हैं, आपको माफी मांग के एक्सटेंशन, एक्स्ट्रा टाइम मांगना पड़ता है, जेन्युइन रीजन बताना पड़ता है, सफिशिएंट कॉज देना पड़ता है कि मालिक माफ कर दो, जरूरी काम हो गया था, हमें रजिस्ट्रेशन का मौका दो, तो फिर आपको सही 60 दिन और मिलते हैं। 60 डेज जा चुके हैं, 60 डेज ही आपको और मिलते हैं, उसके अंदर अंदर आपको लेट फीस के साथ, एडिशनल फीस के साथ चार्ज को रजिस्टर कराना पड़ता है। फटाफट सुनिएगा बेटा नए रूल्स, 30 दिन के अंदर कराओ। सर 30 दिन के अंदर नहीं कराए तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर लेट फीस पे करा लो, टोटल होगी 60 डेज। सर यहाँ तो क्या तो हो चुका होगा या नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ तो पैरों में गिरो, रजिस्ट्रार के पास जाओ, एक्सटेंशन के लिए एप्लीकेशन लगाओ, माफी मांगो, तो आपको अगले 60 दिन और मिलेंगे, या 300 का कोई फंडा नहीं होता, एक्सटेंशन पे भी सिर्फ 60 डेज मिलेंगे, उन 60 डेज के अंदर आपको हर हालात में चार्ज को रजिस्टर्ड करवा लेना है। बेटा ये टाइम लिमिट अगर आपको समझ में आ गई हो तो यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत बहुत चांसेस हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, फटाफट बेटा आप देखिएगा लाइन को टेढ़ा कर रखा है, मैं भी अंडरलाइन कर देता हूँ बेटे, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज बाय द कंपनी क्रिएटिंग चार्ज। सब बताइए बेटा,
सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाने की ड्यूटी किसकी आपको बताएगा कंपनी की, इट शेल बी द ड्यूटी ऑफ द कंपनी। इट्स ऑलरेडी चीज़ें मैंने बता दी कंपनी की ड्यूटी है, चाहे एसेट इंडिया में हो चाहे आउटसाइड इंडिया हो चाहे टेंजिबल हो चाहे इनटेंजिबल हो, वो उस मुद्दे को लेके उस एसेट को लेके रजिस्ट्रार के पास उसके कागजात लेके पहुंचेगा, इंस्ट्रूमेंट लेके जाएगा, फिर उसको रजिस्टर्ड कराएगा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब पहली ड्यूटी किसकी, कंपनी की। सेकंड पॉइंट फिर अंडरलाइन कीजिए बेटा, रजिस्ट्रेशन बाय द चार्ज होल्डर, रजिस्ट्रेशन बाय द चार्ज होल्डर। दूसरा पॉइंट क्या बेटा, अगर कंपनी नहीं कराएगी तो दूसरी ड्यूटी किसकी, चार्ज होल्डर की। इसे लिख रखा है ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेन द लेटर, लेटर में बाद में इसको बड़े डिटेल में समझा गया है। मैं फिलहाल आपको बता दूं कि अगर 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी नहीं करवाती तो चार्ज होल्डर बोलता है भाई मैं करवा के आऊंगा। जब उसके पास जाता है रजिस्ट्रार के पास, मैं एडवांस में बता देता हूं, जब रजिस्ट्रार के पास जाएगा, जब जब चार्ज होल्डर रजिस्ट्रार के पास जाएगा, रजिस्ट्रार मामा जी जाते ही रजिस्टर नहीं करता, पहले कंपनी से फोन करके पूछेगा है भाई कंपनी आपने क्यों नहीं करवाया। अगर कंपनी ऑब्जेक्शन फाइल करती है तो फिर करता नहीं और कुछ भी नहीं बोलती, 14 दिन का टाइम होता है, फिर आपका चार्ज रजिस्टर कर लिया जाता है। सर इन दोनों के अलावा कोई और भी रजिस्टर्ड करा सकता है। तीसरा केस बेटा सेक्शन 79 मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, नया सेक्शन है रजिस्ट्रेशन बाय द परचेजर। सर ये नया कौन, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मैं कंपनी, मैंने आपसे पैसा लिया और अपनी एसेट्स को गिरवी उसके कागज आपके पास रख दिए। अब मेरे पास मान लो मैंने प्लांट एंड, बड़े ध्यान से सुनना बेटा, मान लो मैंने प्लांट एंड मशीनरी के पेपर आपके पास गिरवी रखे। मेरे पास एक बंदा आया, बोला साहब आपकी प्लांट एंड मशीनरी चाहिए। मैंने कहा साहब मेरी तो मैं लोन चल रहा है। बोला सर कोई दिक्कत नहीं, मैं लोन वाले खरीद लूंगा। मैंने कहा जी पूछ लो सामने वाले से जिसने पैसे दे रखे हैं। अगर चार्ज होल्डर परमिशन दे देता है तो जो बंदा अब एसेट को खरीद रहा है, ध्यान दीजिएगा, वो बंदा उस एसेट को खरीद रहा है, उस एसेट को खरीद रहा है जिस पे ऑलरेडी एक लोन चल रहा है। तो जब आप ऑलरेडी, जब मान लो मैं एक कंपनी हूँ ऑलरेडी जब किसी एक ऐसी चीज़ को खरीदती हूँ जिसके ऊपर ऑलरेडी एक चार्ज चल रहा है, तो मैं परचेजर हूँ और ऐसी परचेजर हूँ जो रिस्की चीज़ को खरीद रही हूँ, तो मेरी ड्यूटी बनती है मैं रजिस्ट्रार के पास जाऊँ, इस बात को बताऊँ और उसको दोबारा से रजिस्टर्ड कराऊँ। जब भी ऐसा होगा पुराना चार्ज खत्म हो जाएगा, वैकेट हो जाएगा और नया चार्ज बेटा क्रिएट हो जाएगा। तो तीन पॉइंट आपको समझ में आ गए, कंपनी की पहली ड्यूटी बनती है, दूसरी ड्यूटी चार्ज होल्डर की बनती है, तीसरी नहीं बोलूंगा एक एक्स्ट्रा सेपरेट केस है रजिस्ट्रेशन बाय द परचेजर जिसको सेक्शन 79 डील करता है। फटाफट चलिएगा बेटा, हाउ टू रजिस्टर चार्ज। सर ये क्या है, हाउ टू, सर हम कैसे करवाएंगे रजिस्ट्रेशन? कुछ नहीं बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट लेके जाइए, ड्यूली साइन होना चाहिए, कंपनी ने भी साइन कर रखी हो, चार्ज होल्डर ने भी साइन कर रखी हो, 30 डेज के अंदर अंदर फीस के साथ इसको जमा करवा दो। तरीका हो गया पी पॉइंट बेटा आपका हो गया। सी पॉइंट, सर मामा जी एकदम साइन कर देगा या उसको पढ़ेगा पहले? बेटा वो वेरिफिकेशन करेगा कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा कराए हैं वो सही भी हैं या नहीं। वो कैसे वेरीफाई करेगा सर? वो देखेगा जो प्रॉपर्टी आपने गिरवी रखी है जिसके ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है, प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है या वो प्रॉपर्टी इनसाइड इंडिया है, या तो वो इन इंडिया होगी या आउटसाइड इंडिया होगी, दोनों में कोई फर्क नहीं बेटा। मतलब जो ये थर्ड पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये पॉइंट एक्स्ट्रा, ये मैं बता दूँ ये पॉइंट एक्स्ट्रा है आपका, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। मामा जी क्या देखता है, जब जिस चीज़ के ऊपर चार्ज क्रिएट हुआ है और उसको आप रजिस्टर्ड कराने आए हैं तो ये देखेगा वो इंस्ट्रूमेंट जो है, जो सर्टिफिकेट जो है, वो कंपनी की सील के अंदर ऑथराइज होना चाहिए, कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी की सेक्रेटरी के द्वारा उसके ऊपर साइन होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट देखिएगा क्या लिख रखा है, अंडर द हैंड ऑफ सम पर्सन अदर देन द कंपनी के अलावा किसी एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उसके द्वारा भी सर्टिफिकेट उसके अंदर आना चाहिए, अंडर द हैंड ऑफ some other person other than the company who is interested in the mortgage or charge। जबकि बेटा नीचे लिख रखा है इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया, उसमें ऊपर के दोनों क्लोज तो रहेंगे, नीचे वाले क्लोज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रही। ध्यान दीजिएगा बेटा, पहली ड्यूटी कंपनी की, फिर किसकी, चार्ज होल्डर की। चार्ज होल्डर ना कराए तो, सॉरी कंपनी ना कराए तो कौन करेगा, चार्ज होल्डर। हाउ टू करवाएंगे, कैसे, इंस्ट्रूमेंट लेके जाएंगे बाकायदा उसको साइन करवाएंगे, चार्ज होल्डर भी साइन करेगा, कंपनी भी साइन करेगा, फीस के साथ रजिस्टर के पास जमा करा देंगे, रजिस्टर उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई में देखेगा किसके साइन है, कंपनी की सील लगी हुई नहीं लगी हुई, डायरेक्टर कंपनी सेक्रेटरी के साइन है या नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रॉपरली वेरीफाई करने के बाद वो क्या करेगा, अब ये देखेगा आप सही टाइम पे इसको जमा करवा रहे हैं या सही टाइम पे जमा नहीं करा रहे। अगर आप 30 डेज के टाइम लिमिट खो चुके हैं, सर ये क्या आ गया बेटा, ये फिर से वही चार्ज क्रिएटेड बिफोर, देखिएगा ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ चार्ट के माध्यम से, ये ऑलरेडी वही चीज है, चार्ज क्रिएटेड बिफोर 2/11/18 और फिर नीचे बता रखा है चार्ज क्रिएटेड आफ्टर 2/11/18। ऑलरेडी बेटा हम चार्ट के माध्यम से इन पूरे प्रोविजंस को डिटेल में कर चुके हैं, लेकिन सवाल ये है सर नए रूल्स में बिना देखे बेटा, नए रूल्स क्या बोलते हैं, 30 डेज, फिर कितने 30 डेज, 30+30 60 हो चुके हैं, अब आपका टाइम समाप्त।
लेकिन अगर हम रजिस्ट्रार से एक्सटेंशन मांग लें, देखो लिख रखा है बेटा प्रोसीजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। अगर आप एक्सटेंशन पाना चाहते हैं तो आपको पैरों में पढ़ के एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी रजिस्ट्रार के पास कि प्लीज हमें आप 60 डेज का मौका और दे दीजिएगा। लेकिन ये एप्लीकेशन बेटा तभी लगा सकते हो। सेकंड पैराग्राफ में देखिए द एप्लीकेशन सो मेड मस्ट सेटिस्फाई द रजिस्ट्रार। आपको रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई करना होगा कि सफिशियंट कारण था साहब जिसकी वजह से हम पहले इसको डिपॉजिट नहीं करा पाए, पर एडिशनल फीस बेटा आपको देनी ही देनी पड़ेगी। अब ई पॉइंट बोलता है सारी चीजें वेरीफाई होने के बाद मामा जी आपको एक सर्टिफिकेट जारी कर देंगे। ये सर्टिफिकेट इस बात का एकमात्र प्रमाण होता है कि हाँ कंपनी के एसेट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हो चुका है। अब एफ पॉइंट में लिख रखा बेटा सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन नॉट टू प्रिजुडाइज राइट ऑफ चार्ज होल्डर। रटने का पॉइंट नहीं, सब समझने का पॉइंट है। एक बात बताओ बेटा, कोई चार्ज 30 दिन के अंदर रजिस्टर्ड ना हो गए, अगर अगले 30 दिन में रजिस्टर्ड हो गया, या 60 डेज में रजिस्टर्ड ना हो गए, नेक्स्ट 60 डेज में रजिस्टर्ड हो गया, या कोई चार्ज रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ, क्या जिस बंदे ने पैसे दे रखे उसको पैसे नहीं मिलेंगे? बेटा उसको पैसे मिलेंगे। चार्ज को रजिस्ट्रेशन करवाना इज अ पार्ट ऑफ कंपनी रूल, इट इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मेलिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है इसलिए आपको करना पड़ता है। जिसने पैसे दे रखे हैं वो उसको मतलब नहीं इस बात से, उसको पैसा हर हालात में वापस चाहिए। आपके रजिस्ट्रेशन होने से और ना होने से कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। साफ लिखा गया सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन नॉट टू प्रिजुडाइज, ये बिल्कुल भी हानि नहीं पहुंचाएगा किसको, चार्ज होल्डर के राइट्स को जिसने पैसे दे रखे हैं। सेकंड पैराग्राफ में साफ लिख रखा है इन अदर वर्ड्स राइट ऑफ द लेंडर, जिसने पैसे दे रखे हैं चार्ज होल्डर, शैल नॉट गेट इफेक्टेड, वो आपकी इन चीजों से इफेक्ट नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन पहले होता है या बाद में होता है। जी पॉइंट सेक्शन 77 नॉट टू अप्लाई इन सर्टेन केसेस। कई केस में चार्ज को रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं पड़ती। वो केस कौन से हैं, आरबीआई ने कुछ केसों को नोटिफाई कर रखा है उनमें चार्ज को रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एच पॉइंट लास्ट आज की क्लास का, अनरजिस्टर्ड चार्ज, सर हमने लेट किया, हमने करवाया ही नहीं, तो अब क्या होगा? बेटा कोई दिक्कत नहीं, सेकंड पैराग्राफ में आपको एक एक चीज क्लियर दूंगा। नॉट रजिस्टरिंग द चार्ज शैल नॉट इंपैक्ट और निगेट एनी कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन फॉर द रिपेमेंट ऑफ मनी सिक्योर्ड बाय द चार्ज। जो पैसा आपने ले रखा है ना और उसको चुकता करने की लाइबिलिटी आपके सर पे है, वो आपको चुकता करनी पड़ेगी, चार्ज हो और चाहे ना हो वो एक अलग मामला होता है। फर्दर इट मे बी नोटेड दैट फेलियर टू रजिस्टर चार्ज शैल नॉट एब्सॉल्व अ कंपनी फ्रॉम इट्स लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस चैप्टर। बेटा बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करते हैं, तब तक के लिए अलविदा। ये क्या हुआ, एक सेकेंड।